इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं लोकल लेवल कम्युनिटी लेवल लेवल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी की गई थी जज right नहीं किया जा सकता थर्ड है subjectivity. Subjectivity का मतलब होता है कि आप अपने एक्शंस को फैक्ट्स पर बेस नहीं कर रहे हो ब्रादर आपके एक्शंस को फीलिंग्स और आपके इमोशंस पर बेस कर रहे हो और ये यूजुअली होता है इसीलिए कहा जाता है कि एक सिचुएशन या एक एक्शन जो एक इंसान के लिए एथिकल है वो दूसरे इंसान के लिए नहीं है इसीलिए कहा जाता है कि एथिक्स ए सब्जेक्टिविटी बेस्ड फॉर एग्जाम्पल रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग पांच साल के रिलेशनशिप के बाद एक लड़का और लड़की ने घर से भाग शादी की जो उनकी फैमिलीज के अकॉर्डिंग नहीं था लेकिन उनके अकॉर्डिंग एथिकल था इसीलिए क्या सही है और क्या गलत है वो सब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिविटी डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पर सिचुएशन पर इंडिविजुअल की पर्सनालिटीज़ पर और कल्चर्स पर फोर्थ है एथिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉमन गुड जैसा कि हम जानते हैं कि एथिक्स वो नॉर्म्स और वो स्टैंडर्ड्स हैं जो एक ह्यूमन बींग डिफ्रेंशियट करने में हेल्प करते हैं और ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं सोसाइटल लेवल पर भी कॉमन है इसीलिए एथिक्स सिर्फ एक इंडिविजुअली नहीं पूरी सोसाइटी का गुड और कॉमन गुड इंश्योर करता है फॉर एग्जाम्पल इस दिवाली पोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट से लोगों को बचाने के लिए डेली गवर्नमेंट ने फायर क्रैकर्स बर्स पर बैन लगाया और ऐसे एथिकल एक्शन से पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव बेनिफिट हुआ